हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कपड़े से इस टाइप के फ्लावर बनाना बताएंगे। देखिए, ये फ्लावर बचे हुए कपड़े से बन जाते हैं, जो हमारे पास सिलाई के बाद कपड़े बच जाते हैं उनसे ये फ्लावर बना सकते हैं। इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो कुछ कपड़े के टुकड़े और बटन, इस टाइप से बटन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये बैरबैट के बटन लिए हैं मैंने। अब हम इस कपड़े के सर्कल पीस काट लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कागज का दो इंच का, जिसकी ये वाली साइड भी 2 इंच की है और ये इस साइड भी 2 इंच का है, एक टुकड़ा काट के रखा हुआ है। तो हम इसके नाप से इसके सर्कल काट लेंगे। आपको जिस जैसे फ्लावर बनाने हैं, बड़े साइज में छोटे साइज में, आप उस हिसाब से इसको काट सकते हैं। इस टाइप से हमारा ये सर्कल पीस कटा हुआ है। इसके हमें 6 पीस की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने पहले से ही काट के रखे हुए हैं। हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस टाइप से, और इसको फिर डबल फोल्ड करने के बाद इसको 4 फोल्ड कर देंगे। ये कुछ इस टाइप से ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। इसको हम टच पिन से कर लेंगे कि ये कहीं इधर उधर ना खिसके, और फिर हम सुई धागे की हेल्प से इसमें छोटे छोटे टांके लगाएंगे। ऐसे ही फिर एक और पीस लेंगे, उसको भी 4 फोल्ड करेंगे। इसमें भी इसको भी ये कर लेंगे। इसमें एक चीज़ का याद रखना है कि जो इसका ओपन पार्ट है वो सभी का एक साइड ही होना चाहिए। जैसे हमने ये वाली जो इसकी पत्ती बनाई है उसमें भी इस तरफ है, और ये जो सेकंड पार्ट लगाया है उसमें भी इस साइड है। इस टाइप से हम 6 पीस को आपस में जोड़ लेंगे। मैंने पूरे 6 पार्ट 1 2 3 4 5 6 और सभी का जो ओपन पार्ट है वो एक ही साइड है जोड़ लिया है। अब मैं इसको जो हमने फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें टांका लगाते हैं और इसको देखिए कुछ इस टाइप से आ जाता है। इसको हमें टाइट लूज जैसा करना है उस टाइप से इसको कर सकते हैं, और पीछे से इसको नॉट लगा देते हैं इसमें, ये दोनों पत्ती आपस में अटैच हो जाए, लास्ट वाली और फर्स्ट वाली। इसको कट कर दिया, हमारा फ्लावर बन गया है। अब इसमें हम ये बटन अटैच करेंगे। इसको हम सुई धागा की हेल्प से टांके से भी अटैच कर सकते हैं, और
ग्लू की हेल्प से इसको इस पे चिपका भी सकते हैं इस टाइप से। इसको और पक्का करने के लिए हम एक दो टांके और लगा देंगे। ये हमारा और रेडी है। ये देखिए मैंने ये फ्लावर बना लिए हैं और इस टाइप के ये मैंने कुछ हर्ट लीफ भी बनाई है। ये देखिए जो बच्चों की लिए इस टाइप से जो हम ड्रेस में इसको डेकोरेट करेंगे फ्रॉक में तो उसके मैचिंग की हम इस टाइप से हेयर क्लिप भी बना सकते हैं। अब हम आपको हेयर क्लिप बनाना बताएंगे। इसके लिए मुझे एक हेयर क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी और दो कॉटन की छोटी छोटी सर्किल शेप में पट्टियाँ। ये देखिए इनकी शेप। अब हम फ्लावर को लेंगे और इसमें मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले हम इसको लगा के इसको फ्लैट कर देंगे। इससे अगर कोई धागा वगैरह या कुछ निकल रहा है तो वो इसको हम अच्छे से चिपका देंगे पट्टी को। हम हेयर क्लिप में ये आप देखिए हेयर क्लिप का जो लगाने वाला पोर्शन होता है उसमें इस टाइप से छोटा सा मैंने छेद किया हुआ है। इसको ये यूं डाल देंगे। वैसे इसमें थर्माकोल की पतली पट्टी यूज़ होती है बट हम कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम ये देखिए इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। इस पर हम ये ग्लू लगाने के बाद इसको चिपका देंगे ऐसे। ये हमारी हेयर क्लिप बन गई। आप कोई भी जो एसिड है जिसमें इन फ्लावर का डेकोरेशन कर रहे हैं तो उसकी मैचिंग का हेयर क्लिप बना सकते हैं जिससे आपकी बच्ची वेयर कर सके। देखिए मैंने दो तीन टाइप से हेयर क्लिप बनाई है इसकी। देखिए और जो फ्रॉक मैंने डेकोरेट की है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने वाइट फ्लावर से ये वाइट कलर की फ्रॉक डेकोरेट की है। देख सकते हैं फ्रॉक को एक इस टाइप की भी फ्रॉक मैंने बनाई हुई है। ये देखिए इसमें येलो कलर का फ्लावर ये लगाया है जिसके साथ ये वाली हेयर क्लिप यूज करेंगे। ये वाली थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम चाहें तो इसमें डिफरेंट कलर के भी ये मैंने ट्राई कलर का एक फूल बनाया हुआ है इस टाइप से भी ये बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।